नमस्कार, चिंदौड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोरोना वायरस को लेकर प्रतिदिन अपडेट लिया जाता है, उसी क्रम में सोमवार को भी मुख्य सचिव ने छिंदवाड़ा जिले की कोरोना वायरस की जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा, एसपी विवेक अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश और नगर निगम कमिश्नर राजेश शाही उपस्थित थे। छिंदवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को जिला अस्पताल में सैनिटाइज टनल का निर्माण किया गया, जिससे जिला अस्पताल में आने वाले हर नागरिक की सुरक्षा को देखते हुए सैनिटाइज किया जाएगा। इस टनल का निर्माण नगर निगम द्वारा किया गया है। छिंदवाड़ा में लॉकडाउन के चलते जहां एक तरफ सभी तरह के वाहन प्रतिबंधित हैं, वहीं दूसरी तरफ जिला अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक मोटा किराया वसूल कर जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों का फायदा उठा रहे हैं। दरअसल जिला अस्पताल में पहले से ही भर्ती मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए एम्बुलेंस संचालक मनचाहा पैसा वसूल रहे हैं, जिसके चलते जिला अस्पताल में मरीजों को कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। जुन्नारदेव के थोक सब्जी मंडी बंद होने के कारण 8 से 10 लाख रुपए की सब्जियां बर्बाद हो गई हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस को रोकने के लिए सब्जी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके कारण व्यापारियों और ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कम से कम 9 से 10 लाख का माल खराब हो चुका है। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि प्रशासन इसका कुछ सलूशन निकाले। ये सब्जियां ख़राब हो रही है, 3 से 4 दिन हो गए कि मंडी बंद है। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि हमें इतना वक्त दे दे, सप्ताह में 2 दिन और 2 घंटे के लिए हम मंडी खोल सके और व्यापारी लोग इस सब्जी को लेकर नगर में बांट सके। विकासखंड मोहखेड़ के ग्राम पंचायत टेमनी खुर्द में मास्क खरीदने में ग्राम पंचायत सचिव और सहायक सचिव द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। जहां मास्क को गांव के ही लोग 4 रुपए में बनाकर देने की बात कह रहे हैं, तो वहीं ग्राम पंचायत सचिव और सहायक सचिव द्वारा वही मास्क 14 से 15 रुपए में खरीदे जा रहे हैं, जिससे ग्राम पंचायत की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस ओर जनपद पंचायत सीईओ अरविंद बोरकर द्वारा भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गैस सिलेंडर डिलीवरी में मनमानी के चलते जहां लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है, वहीं उपभोक्ताओं से 30 रुपए अधिक लिए जा रहे हैं। दरअसल पीएम आवास की एक रहवासी ने अपनी गैस खत्म होने पर 27 मार्च को रिफिल के लिए बुक करवाया, जिस पर उन्हें बार बार फोन करने के बाद भी होम डिलीवरी नहीं दी गई। जब उन्हें शिकायत करने के बाद कही तो सोमवार को सिलेंडर लेकर पहुंचे गैस कर्मचारियों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ा दी। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को सिलेंडर देने की जगह एक ही जगह लोगों को बुलवाना शुरू कर दिया। वीडियो बनता देख वे और आगे बढ़ गए और गैस की डिलीवरी किए, लेकिन घरों में नहीं गए। आपको बता दें कि सिलेंडर देने के दौरान कर्मचारी के मुंह पर मास्क भी नहीं था। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस को लेकर एहतियात बरता जा रहा है, उसी क्रम में थाने में लाए हुए मुलाजिमों को भी प्रशासन द्वारा जांच कर ही जेल में प्रवेश करवाया जा रहा है। साथ ही जो लोग लॉकडाउन का नियम तोड़ रहे हैं, उन्हें भी थाने ले जाने से पहले सैनिटाइज किया जा रहा है। ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मचारियों ने गांधीगंज सहित आसपास के क्षेत्रों में भोजन वितरित किया। गौरतलब है कि पुलिस विभाग के कई सदस्यों का ग्रुप शहर के अलग अलग इलाकों में गरीब, बेसहाय और भूखे लोगों को भोजन मुहैया करा रहा है। एक ओर जहां इंसान ही इंसान की मदद कर रहा है, वहीं छिंदवाड़ा के समाजसेवी दया चौरसिया का पशु प्रेम भी देखा जा रहा है। इंसानों की मदद करने के साथ साथ दया चौरसिया द्वारा शहर में आवारा पशुओं को भोजन कराया जा रहा है। रविवार रात इतनी तेज आंधी और तूफान आया कि वरिष्ठ नागरिक केंद्र परिसर में लगा गुलमोहर का पेड़ गिर गया। हालांकि रविवार अवकाश होने के चलते यहां कोई कर्मचारी नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।